इस तरह के डेलिया प्लांट आप 5 से 10 रुपए के बीच में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, नर्सरियों से सितंबर के समय में। ये जो नर्सरियों में आते हैं दोस्तों, ये बाहर से प्लांट आते हैं जहाँ पे 24 डिग्री लगभग तापमान में इन्हें तैयार किया जाता है कटिंग को, सितंबर और अगस्त के आसपास। इसी तरह के बेहतरीन फूल खिलाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप टू गार्डन साइंस में। दोस्तों आज हम डहलिया के बारे में कुछ जानेंगे, खास बातें। देखिए, अपने घरों में आप इस तरह के फूल देखने के लिए काफ़ी प्रसन्न होंगे। जिसे फूल पसंद हैं दोस्तों, वह ज़रूर पसंद करेगा इस तरह के डहलिया प्लांट्स को। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, डहलिया का जो प्लांट होता है वो सितंबर में आप नर्सरियों में ले सकते हैं। सितंबर से स्टार्टिंग हो जाती है जो इसका लगाने का होता है दोस्तों। जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं डहलिया के, डबल डहलिया जो हमारा है, ये नवंबर के आसपास आप देखेंगे कि फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नवंबर से दिसंबर के बीच में उनकी फ्लावरिंग इतनी बढ़िया शुरू हो जाती है दोस्तों। इस तरह के आप खिला सकते हैं अपने घरों में फ्लावर। ये देखिए, वाइट वाला है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जो है, हमारे बीज सक्सेस नहीं होते हैं, इनकी जो कटिंग ही तैयार की जाती है पूना में और बाहर जहाँ पे भी तैयार होती है, इनकी कटिंग आती है दिल्ली के अंदर हमारे। तो इसको हम कटिंग ला करके अपने जो छोटे छोटे कटिंग से तैयार करते हैं वो लोग प्लांट्स, उस प्लांट्स को ला करके छोटे छोटे को हम अपने इधर लगा सकते हैं। 10 रुपये का प्लांट्स मिलता है या उससे कम का भी मिलता है, 5 का भी मिलता है दोस्तों। जैसे प्लांट्स रहेगा छोटा तो उस हिसाब से मिलता है, तो उसको ला कर आप लगा सकते हैं अपने गमलों में इस तरह की, और बेहतरीन फूल खिला सकते हैं। तो दोस्तों एक इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि देखेंगे आप, इसमें अधिक बूटे आ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बूटे आ रहे हैं, देख लीजिए। और हमारे जो साथ में दूसरा प्लांट है ये डहलिया का, इसमें हमारे देखेंगे तो आप, ये एक बूटा यहाँ है और एक यहाँ है, इसमें कम बूटे बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमने इसकी प्लांट्स जो इसका लगाया है, तो इसकी हमने कटिंग नहीं की है ऊपर से, जैसे कट किया जाता है प्लांट्स को। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो सीधी इसकी मेन जो तना है, जो छोटा प्लांट रहा है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ गया, हमने इसमें टच नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन हमें जो ज़्यादा प्लांट्स में बूटे लाने हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा प्लांट है दोस्तों, जो मेन इसका तना होता है, ये अंधेरा है दोस्तों इसलिए दिख नहीं रहा है, मेन जो तना है हमारा, उसको हम छोटे स्थिति में ही हल्का सा कट कर देंगे। यानी कि जैसे हमारा तना मेन वाला ये है, तो इसको हम इस जगह से कट कर देंगे, तो यहाँ से साथ में से उसके जो डालियाँ, बहुत सारी ब्रांचें निकलना शुरू हो जाएंगी। एक जगह से कट करने से उसमें 3-4 ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती हैं और अच्छी फ्लावरिंग करता है वो, काफ़ी ज़्यादा उसमें बड बनती हैं। और दोस्तों इसको धूप की बात करें हम, तो इसे पूरी सनलाइट चाहिए, पूरे दिन से लेकर शाम तक, जब तक सूर्य रहता है जब तक इसको सनलाइट चाहिए है। क्योंकि जितनी अच्छी हम फ्लावर प्लांट्स में धूप देंगे, उतनी ही अच्छी उनके फूल होते हैं। जितनी ज़रूरी उनके लिए खाद और पानी है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी या उससे भी ज़्यादा ज़रूरी धूप मानी जाती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। दोस्तों हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी में हमें, जब हम नर्सरी से लाते हैं इन प्लांटों को, तो उस समय हमें मिट्टी पहले से तैयार करनी पड़ती है गमलों की। एक जो हमारा जैसे खाली गमला है इस तरह का, तो इसके नीचे आप देखेंगे एक छेद रहता है, ये देखिए इस तरह से, इस छेद में हमें एक पत्थर रखना पड़ता है, एक छोटा सा कंकर पत्थर, ताकि इसके मिट्टी डायरेक्ट ना निकले, ताकि इसकी मिट्टी डायरेक्ट ना निकले। और जो हमारी मिट्टी है उसे कैसे तैयार करना है, इस बात पर ध्यान हमेशा रखना चाहिए हमें। तो आइए बताते हैं, इसकी मिट्टी में आप आधा खाद और आधी ही मिट्टी मिक्स करके पूरी तरह से, और आप अगर एक गमले के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसमें
करीब एक मुट्ठी आप DAP मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में, और बाकी आधी खाद और आधी मिट्टी पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। खाद रहेगी आपकी गोबर की खाद, ऐसी वाली जिसे काउडंग कहते हैं दोस्तों, तो वो ऐसी होनी चाहिए हमारी जो पुरानी रहे बिल्कुल। ये नहीं कि आपने ताज़ा गोबर की खाद डाल दी, उससे क्या होता है कि दीमक लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर गलती से आपने डाल दी है ऐसी खाद जो दीमक पैदा कर रही है, नई खाद रहे या कच्ची खाद रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीम की खली उसको मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में, खुदाई करके गुड़ाई करके, जिससे कि उसको बचाव किया जा सकता है। बाकी आप जो बताया गया है नियम, उसी नियम पे आप इसकी मिट्टी तैयार कीजिए तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात रह गई हो मुझसे इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। तो समाप्त करते हैं इसी तरह से, आप बने रहिए प्रकृति के साथ, जुड़े रहिए। तो समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, जय नेचर।